ये हैं, ये अंसल का मेन एंट्री गेट है। ये अंसल की फ्रंट पे ग्रीन बेल्ट है, राइट में लुलु मॉल बन रहा है और राइट में ही मेदांता हॉस्पिटल है। पैंतालीस मीटर का रोड है, फोर लाइन विथ सर्विस लाइन, जो यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी है, CMS है, न्यू एमिटी स्कूल है, GD गोइका है और भी हैं, और दिल्ली पब्लिक स्कूल है। काफ़ी ग्रीनरी है। रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और इसमें फैसिलिटी रहेगी, सीवर रहेगा, अंडरग्राउंड नाली रहेगी, अंडरग्राउंड वाटर कनेक्शन रहेगा और अंडरग्राउंड पूरी वायरिंग रहेगी लाइट्स की। आपको एक भी तार नहीं दिखेगा किसी भी प्रोजेक्ट में। और जगह जगह ब्रेकर दिए हुए हैं। मैंने एंट्री गेट से कुछ सीधे आना है, ये एक चौराहा पड़ेगा, वो भी सीधे चलना है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है रिश्ता मलबरी हाइट्स का। लेफ्ट में ये पूरी लैंड रिश्ता डेवलपर्स की है। ये एक टावर बन गया है, ग्लेशियर वन बन रहा है। मेन एंट्री यही रहेगी। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ये पार्ट वन है। बोर्ड लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। ये 24 मीटर का रोड रहेगा, एक एंट्री गेट इधर से रहेगा। ये जो विला दिख रहे हैं, रिश्ता मलबरी विला हैं, जो स्टार्टिंग होती है 2.65 CR से स्टार्टिंग होती है। मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके डायरेक्टली मैं विला के सामने ले जाऊंगा। ये विला का लेआउट है, बाहर से ऐसा रहेगा। प्लॉट एरिया 4017 स्क्वायर फीट है, बिल्डअप एरिया है 5200 स्क्वायर फीट। ये कॉर्नर का विला है और सामने 4 से 5 कारें आराम से पार्किंग कर सकते हैं 4x4 की। और फ्रंट में दो फुल साइज कार पार्किंग कर सकते हैं। सामने ग्लास रहेगा पूरा और डोर रहेगा, बायोमेट्रिक डोर रहेगा ये।
ये लिविंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया रहेगा, ये सामने पूरा किचन रहेगा। ये फर्स्ट बेडरूम है, बैक में ओपन स्पेस है, इसको आप गार्डन यूज कर सकते हैं। ड्रेसिंग एरिया है और ये वॉशरूम है, ये कंप्लीट वॉशरूम मिलेगा। ऊपर जाने के लिए स्टेयर है, ये कॉमन वॉशरूम है, ये लिफ्ट है। ये दोनों साइड ड्रेसिंग एरिया रहेगा, ये वॉशरूम है और एक बेडरूम ये रहेगा, इसमें पूरा ग्लास रहेगा। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, जो हॉल है यहाँ पे रेलिंग लगी है ग्लास की। एक बेडरूम ये है, इसको आप स्टडी रूम भी कह सकते हैं या किड्स रूम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सेकंड बेडरूम है, ये पूरा वॉशरूम है, ये ड्रेसिंग एरिया रहेगा, पूरा काफ़ी बड़ा स्पेस है। कॉर्नर का विला है तो सिर्फ थ्री साइड ओपन रहेगा। और ये मास्टर बेडरूम है जो कि काफ़ी बड़ा है, सामने बालकनी है और अटैच छोटा सा टेरेस है। सामने का व्यू ऐसा रहेगा, 12 मीटर की रोड है। ये वॉशरूम है, इसमें ड्रेसिंग एरिया रहेगा, ये और ये वॉशरूम है, इसी में यहाँ पे पूरा ग्लास सेट रहेगी। हम लोग सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, ये पूरा बड़ा, ये एक छोटा सा ओपन टेरेस है सेकंड फ्लोर पे भी। ये फ्रंट में बालकनी है, ये पूरा ग्लास रहेगा और ये बड़ा सा हॉल है, इसे आप पार्टीशन करके रूम भी बना सकते हैं या ऑफिस सेटअप भी कर सकते हैं या गेम एरिया भी कर सकते हैं। बैक में भी बालकनी है और ये वॉशरूम है और ये किचन रहेगा। काफ़ी बड़ा है और ये लिफ्ट है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, ये सर्वेंट रूम है, मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ।
काफ़ी बड़ा सर्वेंट रूम है, सॉरी ये किचन है, ये सर्वेंट रूम है, ये वार्डरोब स्पेस है और ये वॉशरूम है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है और ये ग्लास विंडो रहेगी। ये 360 व्यू है, विला के सामने से सेम व्यू रहेगा।